Welcome to India's most premier awards. Abhishek Bachchan and Riteish Deshmukh are back. पिछले साल हमने आपको मेकिंग ऑफ एन अवार्ड शो दिखाया था। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको इन अवार्ड से जुड़े उस हर पहलू और पागलपन से परिचय करवाएंगे जिनके बिना ये अवार्ड शो इतने शानदार नहीं होगा। Absolutely. We proudly dedicate this year's awards to the dil, dimag, dedication और मेहनत of the people behind the scenes. Ritesh, देखो सामने विद्युत जामवाल है। Hey विद्युत, how are you? Good evening, welcome विद्युत। Love your socks, man. रमेश जी, विपुल शाह, wow, जावेद साहब, अहमद खान, बहुत सारे, जावेद अंकल, शबाना आंटी, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। अभी आप सब देखेंगे कि यहाँ जितने भी बैठे हमारे महान हस्ती, वो सब हमें कितना रिस्पेक्ट करते हैं और हमें जी जी करके बुलाएंगे। Of course, हाँ? I've seen रमेश जी somewhere, रमेश तोरानी जी, आप तो स्कूल गए हैं, ABCD तो पढ़ाई है, ABCD EF, F के बाद क्या था सर? जी जयंती भाई क्या बोल रहे हैं? जी जी, ओ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा मुझे। विद्युत, व्हाट डिड यू से? जी इंदु जी, देखो मैं भी इंदु जी, थैंक यू। तो आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोग कैसे हमारे सामने जी जी कर रहे हैं। इसे कहते हैं रिस्पेक्ट। और क्यों ना हो, पिछले साल रितेश ने 100 करोड़ वाली फिल्म दी ग्रैंड मस्ती विद अ बिग जी। और जैसा कि सबको मालूम है, मैंने दी धूम 3, इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली 500 करोड़ ग्रॉसिंग वर्ल्ड वाइड सुपर डुपर हिट। वेल डन। पर अभी उस फिल्म में तुम्हारे सिर्फ 15 सीन्स ही थे। तो सोचना यार, 15 सीन में 500 करोड़ हो गए, ज्यादा होते तो कितना होता? Oh my God, यानी 1000 करोड़ तो कहीं नहीं गए। फिर करेक्ट है, तुम्हें क्या लगता है कि धूम 3 का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना था? सिंपल, 440 करोड़ 35 रुपए। 440 करोड़ 35 रुपए। और आमिर खान को पैसे देने के बाद कितने बचे? 35 रुपए। होता है यार, अभी क्या करें। Anyway, it's time to feel proud of not just my film, but of all those films and actors जिनकी वजह से हिंदी फिल्म जिंदाबाद रहे हैं 2013 में। पर यू नो एवी, एक्टर राजकुमार राव को शाहिद फिल्म के लिए हर अवार्ड शो में नॉमिनेट किया गया है। राजकुमार राव और शाहिद। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शाहिद कपूर को राजकुमार के लिए किसी भी अवार्ड फंक्शन में नॉमिनेट नहीं किया गया। But we still love Shahid. We love you, Shahid. He's a good guy. Yeah. इस साल कई सीक्वल्स आए, रेस 2, आशिकी 2, Once upon a time in Mumbai दोबारा, The Lunchbox, the Lunchbox, हाँ Lunchbox, वो sequel था? और नहीं तो क्या? तो उसका first part कौन सा था? Stanley का डब्बा। इस साल एक बड़ी hit और memorable film थी आशिकी 2, nominated in 10 categories tonight. Woo! बस मुझे एक बात समझ में नहीं आई क्या? कि जब पहली बार आदित्य रॉय कपूर की टक्कर श्रद्धा से होती है उस वक्त रात के 2 बजे होते हैं, करेक्ट? श्रद्धा के बैग से टमाटर गिर जाते हैं। मैं श्रद्धा से सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि रात के 2 बजे टमाटर खरीद कर आप कहां जा रही थी, प्लीज हमें बता दीजिए। नेक्स्ट मूवी भाग मिल्का भाग, नॉमिनेटेड इन 11 कैटेगरीज। मेरे दोस्त हैं लेकिन अपने नाम पर खड़े उतरे राकेश ओम प्रकाश मेहरा, जितना लंबा नाम उससे भी लंबी फिल्म बना दी उन्होंने। नेक्स्ट मूविंग ऑन, चेन्नई एक्सप्रेस नॉमिनेटेड इन 15 कैटेगरीज टुनाइट। शाहरुख को इस बात का अफसोस रहा है कि 100 दिन की शूटिंग और 150 दिन की प्रमोशन के बाद भी चेन्नई एक्सप्रेस की इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी उनके गले लगने की। भाई भाई जान, भाई मुबारक हो, मुबारक भाई। भाग मिल्का भाग जितनी चली है उससे ज्यादा तो फिल्म में फरहान भागा है। और क्या भागा हमारा दोस्त फरहान, पंजाब के खेतों से ओलंपिक स्टेडियम से होते हुए जी सिने अवार्ड्स के ऑडिटोरियम तक। वेलकम फरहान। एक और फिल्म थी चेन्नई एक्सप्रेस जिसमें हीरोइन घर से भाग रही थी और भाग के देखिए जाती भी कहां है, तो वो ट्रेन पकड़ती है जो उसे सीधा वापस अपने ही घर लेके जाती है। आई मीन हाउ इंटेलिजेंट वाज दैट? वेरी। आशिकी 2 में
हीरो हकीकत से भाग रहा था, ये जवानी है दीवानी, हीरो शादी से भाग रहा था, गोलियों की रास लीला, हीरो हीरोइन घर से भाग रहे थे, एंड फाइनली धूम 3 जिससे सारे क्रिटिक्स दूर भाग रहे थे। पिछले साल की फिल्मों में बड़ी भागम भाग मची थी, लेकिन अब फिलहाल अवार्ड्स की भागदौड़। एग्जैक्टली राइट नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम टू फ्लैग ऑफ द अवार्ड्स।